हे गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके। मेरा नाम है रमनदीप सिंह, स्वागत है आपका मेरे चैनल AFLM के अंदर। और आज जो हम वीडियो लेके आए हैं, इसके अंदर हम बात कर रहे हैं, 28 दिन बचे हैं, आज 2 तारीख हो गई है, 2 सेकंड में हो गई है, 28 दिन बचे हैं जून के स्टार्ट पे, तो पेपर ही हैं। और इस टाइम ना जो कंडीशन है, मैं बच्चे की समझ सकता हूँ। इस टाइम ऐसा हो रहा है सर, कॉन्फिडेंस सा नहीं आ रहा, सब पढ़ा हुआ भूल गए हैं, सब मिक्स हो गया है, ऐसा लग रहा है इस सब्जेक्ट का उसमें याद आता है, कोई दूसरा सब्जेक्ट खोलते हैं तो दूसरा सब्जेक्ट खोलते हुए लगता है यार वो पहले वाले सब्जेक्ट का भूल गए, एक बार वापस जाके उसे ही देख लेते हैं। फिर जब दूसरे वाले बातें लगते हैं यार नहीं ये वाला छूट गया, इसको देख लेते हैं। ऐसा होता है, सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ एक्स्ट्रा ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। सुनने वाली बात अब कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ कैसे करना है उसका एक तरीका बता रहा हूँ। अभी तक आधे बच्चे प्लेन रीडिंग कर रहे थे बुक्स की, बिल्कुल करो, कोई परेशानी नहीं है, वो ज़रूरी थी। अब क्या करो, साथ में स्कैनर लेके बैठो। कुछ बच्चों ने मेरे को लगता है पहले से ऐसा करना शुरू कर दिया होगा, स्कैनर लेके बैठो। स्कैनर के अंदर से जैसे कोई चैप्टर बुक से करा, स्कैनर ऐसा मत, कभी भी स्कैनर करने का तरीका बता रहा हूँ। कितने बच्चे स्कैनर करके नहीं जाते, पहली बार वो सबसे बड़ी गलती है। स्कैनर जब 10th में 12th में आपको टीचर्स इतना डराते थे, यू लाइक के सैंपल पेपर करके जाओ, ये करके जाओ, वो करके जाओ, पता है आप लोगों को ऐसा लगता है कि CA CS ज़्यादा मुश्किल है, 10th 12th ज़्यादा आसान थी। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, आप खुद सोचो 10th 12th में ना आप मेहनत ज़्यादा करते थे, स्कूल भी जाते थे, ट्यूशंस भी जाते थे, एक्स्ट्रा क्लासेस भी जाते थे, प्रेशर भी था, घर वाले भी डराते थे, वो भी डराते थे, टेस्ट भी होते थे, प्री बोर्ड्स भी होते थे, देन बोर्ड होते थे। यहाँ कितने टेस्ट होते हैं, क्या आप लोग करते हो? कुछ नहीं करते, ऐसा कुछ भी नहीं करते, इस वजह से परेशानी आती है। करना क्या है अब सुन लो, कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए बता रहा हूँ, स्कैनर परचेज करो हर सब्जेक्ट के, पूरा इकट्ठे उठाओगे आखिरी में तो नहीं होगा, एक चैप्टर बुक से करा, हाथों हाथ उसके क्वेश्चन स्कैनर से देख लिए। मैं बता रहा हूँ हाथों हाथ 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा लगता है स्कैनर सॉल्व करने में, उस चैप्टर को स्कैनर से करोगे अगर बुक से कर लिया है तो। जैसे ही बुक से करा, इधर स्कैनर चैप्टर निपटाया, पता है क्या होगा, जिस तरीके को प्लेन रीडिंग कर रहे थे ना, समझ आ जाएगा टेक्निकलिटी में किस तरीके से इसको पूछा जा रहा है। स्पेशली लॉ पेपर्स की बात कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल पेपर्स में तो क्या होता है सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा, लेकिन जो जितने लॉ पेपर्स हैं बच्चों के, और जैसे अगर सपोज GST वगैरह हो गया वो भी है, और इसके अलावा लॉ पेपर हमारे जो CS के बच्चे, उनके सारे लॉ पेपर ही ऑलमोस्ट, तो उनके हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो आप लोगों को लॉ पेपर में एक सबसे बड़ी हेल्प क्या मिलेगी, क्योंकि अब हमारे लोग तो मेजोरिटी पेपर लॉ आते हैं CS वालों के, CA CMA वाले बच्चों को लॉ में ये तरीका अपनाना है, बाकी सब में उनको भी अपनाना है, मगर उसमें उनको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा स्कैनर से। दूसरी, लॉ में क्या कर रहे हैं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वहाँ से देख रहे हो, तो 80% क्वेश्चन तो होंगे ऐसे होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहे होंगे। जो केस स्टडी होगी सिर्फ वहाँ से केस स्टडी देख के, पहले तो खुद आंसर नीचे मत देखना, पूरा केस पढ़ के चैप्टर हाथों खुद ही खत्म करा, अभी चैप्टर पढ़ के अंदाजा लगाना ये सेक्शन किस सेक्शन पे, मतलब ये वाला क्वेश्चन किस सेक्शन पे बेस लग रहा है, और उसके बाद देखना अपने दिमाग में सोच कर ये उस सेक्शन से इसका आंसर निकल सकता है, फिर आंसर नीचे मैच करना, आपका सेक्शन वही जो आपने सोचा था वही सेक्शन नीचे आंसर में है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसके अलावा आपके सोचने में कोई गलती हुई है तो सोचो उसने आंसर क्या दिया, फिर उसको कंपेयर करो अपने वाले से, देन उसके बाद और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना था। ऐसे कर करा के आंसर्स को करना शुरू करो, कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल होगा, 100% लिख के दे रहा हूँ, कॉन्फिडेंस आएगा। और जो ऐसा फील होता है ना कि पेपर में कुछ नहीं याद आएगा, एक्चुअल में क्या होता है, सिर्फ अभी ऐसा लग रहा होता है क्योंकि सब मिक्स हो गया है, पेपर में हमारा माइंड इतनी फास्ट प्रोसेसिंग कर रहा होता है, पेपर में आपने जो आज से 5 साल पहले भी पढ़ा होगा ना वो भी याद आ जाएगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है ना, कुछ लिखना होता है और याद नहीं आ रहा होता, तो ऐसा लगता है ना यार सामने वाले को बोलते हैं ना भाई बस एक वर्ड बता दे आगे का मैं खुद कर लूँगा, वो क्यों होता है, और एक वर्ड से फिर आपको जो 11th की 12th की BST इको की बातें भी याद आ जाएंगी भले आप CA CS सब कर रहे हो, वो उधर इतना माइंड प्रोसेस, मतलब इतनी प्रोसेसिंग फास्ट चल रही होती है, कभी क्लास की कोई सर की बात सुनी होगी वो तक याद आ जाएगी, तो उधर टेंशन लेने वाली बात नहीं है। टेंशन अभी कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने वाली है कि उस डर के मारे कहीं पेपर ख़राब ना हो जाए, तो उसका बेस्ट तरीका ये है स्कैनर को साथ साथ सॉल्व करो, और जिन क्वेश्चनों में लग रहा था कि मेरे को यहाँ पर सोचने में टाइम लगा है उन क्वेश्चन को अलग से मार्क कर लो कि पेपर में जाने से पहले इसको देख के जाऊँगा, इतना कर लो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली इंप्रूव होगा, पेपर बहुत अच्छा होगा। समराइज नोट्स बनाने का इस टाइम नहीं बोलूँगा कि सब बन बना चुके होंगे, अब कोई टाइम भी नहीं है बनाने का, और बेसिकली कॉन्फिडेंस टाइम पर उन बच्चों को नहीं आ रहा होगा जिनकी तैयारी हो चुकी है और जिनको डर है। जिन लोगों ने अभी बुकें उठाई हैं उनका तो वैसे ही पास होने के हालात बहुत मिनिमल है, अगर आपको तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इस टाइम पर प्रोफेशनल एग्जाम नहीं निकलते। और मैं हमेशा बच्चे को बोलता हूँ स्टार्टिंग से तमीज़ से पढ़ाई कर लेनी चाहिए, अभी समझ जाओ तो बेटर है, जब बाद में ICSE समझाते हैं ना तो बहुत बुरा समझाते हैं, उनका समझाना मोहल्ले में भी बदनामी कराता है, घर में भी बदनामी करता है, सब जगह बदनामी कराता है, दोस्तों में बदनामी होती है।
तो कॉन्फिडेंस का बेस्ट तरीका यही है, स्कैनर साथ सॉल्व करो चैप्टर बाय चैप्टर। आखिरी में करोगे तो स्कैनर भी एक बहुत मोटी बुक लगेगी, वो सॉल्व नहीं होगी, लेकिन इधर से चैप्टर बुक से करा, हाथों स्कैनर से कर लिया, तो वो आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव करेगा। और एक चीज़, स्कैनर में आंसर कई बार अमेंडेड नहीं होते हैं, तो उन आंसर्स को सिर्फ वहाँ से सेक्शन देखना है, आंसर को पढ़ना अपनी बुक से ही है, उस सेक्शन को अमेंडेड वाले को पढ़ना अपनी बुक से ही है। इतना करना शुरू कर दो, डेफिनेटली जो मिक्स वाली टेंशन है ना, वो खत्म हो जाएगी। और 1-4-7-21 का तरीका अपनाना शुरू कर दो, जो आज पढ़ा है उसको भी चौथे दिन पे पढ़ना है, देन सातवें दिन पे पढ़ना है, 21। मैं पहले भी कई वीडियोस में बात कर चुका हूँ इसकी, वो करना शुरू कर दो, हर चीज़ रिकॉल रहेगी। और हर चीज़ की प्रॉपर प्लानिंग, जो सिंगल ग्रुप वाले बच्चे हैं वो दिन में 2 सब्जेक्ट्स ऊपर मत पढ़ो, वो दिन में 2 सब्जेक्ट्स ऊपर मत पढ़ो, और जो बोथ ग्रुप वाले हैं वो दिन में 3 से ऊपर मत पढ़ो, इससे ऊपर मत पढ़ना, 3-3। और फिर उसके बाद 2 को कैसे मैनेज करोगे, संडे संडे को मैनेज करो, कैसे भी करो, लेकिन करो। एक एक दिन के अंदर 5-5 सब्जेक्ट लेके मत बैठना, पागलपंती वाली बात है, 2 से ऊपर सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो कॉन्फिडेंस के लिए 2 बातें बता रहा हूँ, स्कैनर ज़रूर करना है, साथ में जो टेक्निकलिटी लग रही है उनको करना है, और टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, जितना सोचोगे ना उतना ज़्यादा लगेगा कॉन्फिडेंस। यार कॉन्फिडेंस अंदर से आता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन से आता है, अपने आप निकलेगा कॉन्फिडेंस, अपने आप सब कुछ अच्छा होगा, पेपर का सब याद आएगा, टेंशन वाली बात नहीं, आज तक पहले भी ऐसा हुआ है। भगवान का नाम लो और मेहनत करते रहो, सब अच्छा होगा। चलो, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, एंड इसी तरीके से वीडियोज़ को प्यार देते रहे, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।